नहीं नहीं किसे कहते हैं पहले तो सबसे पहले शुद्ध ज्ञान के अंश को नहीं कहते हैं। किसे कहते हैं नए शुद्ध ज्ञान के अंश को नहीं कहते हैं। या वस्तु के किसी एक अंश को कहना वो नए ना वस्तु के किसी एक अंश को तो वस्तु के एक अंश को बताए वो नए तो नए वस्तु के एक अंश को ही बताता है संपूर्ण वस्तु को नहीं बताता इसलिए उसको शुद्ध ज्ञान का एक अंश कहा है। शुद्ध ज्ञान के अंश को नए कहते हैं। अब ये नए दो प्रकार के हो सकते हैं एक आगम के नए और एक अध्यात्म के नए। वस्तु स्वरूप को समझना है अपने को छह द्रव्य सात तत्व आत्मा परमात्मा इन सब वस्तु को समझना है तो छह द्रव्य को समझने के लिए जो नए हैं वो है आगम के नए और जो अपनी आत्मा को समझने के लिए है वो अध्यात्म के नए जिसके द्वारा अपनी आत्मा को समझा जाए जाना जाए। अध्यात्म माने आत्मा को जानना तो आत्मा को जानने के लिए जो उपयोगी है वे अध्यात्म के नए हैं तो जो छह द्रव्यों को जानने में कार्यकारी है वे आगम के नए। ठीक है अब ये क्या है ये नए अध्यात्म के कौन कौन से नए हैं तो ये अध्यात्म के नए के लिए अपन भेद करें तो दो प्रकार के ये नए हैं निश्चय और व्यवहार। और ये बहुत बहुत जिनागम का बहुत महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि इसको नहीं समझने से बहुत भ्रांतियां खड़ी होती हैं। अब ये है वस्तु स्वरूप को समझने के लिए इसका कोई दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है तो वस्तु स्वरूप को अपनी आत्मा को जानने समझने के लिए ये नए हैं जिनका जिनागम में वर्णन किया है जिनागम में जिसका उद्देश्य है बात है। अब क्या ये दो नए निश्चय व्यवहार ने तो निश्चय नए जो वस्तु जैसी है उसे वैसी कहना वो निश्चय है वैसी जानना निश्चय है। क्या जो वस्तु जैसी है उसको वैसा का वैसा जानना वैसा का वैसा कहना वो निश्चय है। जैसे घड़ा काय से बना है मिट्टी से और उस मिट्टी के घड़े को मिट्टी का घड़ा कहना निश्चय है। वस्तु का जैसा है वैसा वैसा निर्गुण करना तो ये निश्चय है मतलब वस्तु का जैसी की तैसा निर्गुण करना जो वस्तु जैसी है उसका वैसा निर्गुण करना निश्चय सरल सीधी सी बात यथार्थ सुनिश्चय यथार्थ स्वरूप का निर्गुण करना निश्चय है और यथार्थ का निर्गुण न करके जो वस्तु जैसी नहीं है उसको संयोग की अपेक्षा से निमित्त की वजह से अन्य रूप कहना व्यवहार। जैसे घड़ा तो मिट्टी का है लेकिन मिट्टी के घड़े में घी का संयोग देखकर उसको घी का घड़ा कहना व्यवहार। मिट्टी के घड़े को मिट्टी का कहना मिट्टी के घड़े में घी भरा है इसलिए घी का घड़ा कहना व्यवहार। बेटे से कहा बेटा घी का घड़ा लेके आना बेटा घी का घड़ा ले अब घड़ा बेटा निश्चय बन लगाए तो क्या क्यों घी का घड़ा हाँ घी का घड़ा बन भी सकता है आज तक घी का घड़ा देखा आपने किसी ने लेकिन घी के संयोग देख कर उसको क्या कहा जाता है घी का घड़ा। तो घी का घड़ा कहना है व्यवहार मिट्टी का घड़ा कहना है
निश्चय। अब कोई प्रश्न कर सकता है कि जब वो मिट्टी कही है तो मिट्टी कही कहना चाहिए, घी का क्यों कहा? कि भाई लोक में पहचान कराने के लिए सभी वो तो मिट्टी के घड़े हैं, लेकिन अपने को घी चाहिए, तो बच्चे को ये तो नहीं कहेंगे हे बेटा वो मिट्टी का घड़ा जिसमें घी का संयोग है वो तू ले आना। उसको तो बचपन से यही पहचान है कि ये घी का घड़ा, उसको घी का घड़ा ही कहा गया है बचपन से, तो बचपन से उसने यही घी के घड़े के नाम से इसको जाना है, इसलिए अपना काम हो जाता है तब तक कहने से कि घी का घड़ा ले आओ, घी ले आता है, अपने को घी चाहिए अपना काम हो जाता है, इसलिए वो प्रयोजन पूर्णता काम करता है, इसलिए वो अपने लिए प्रयोजन का प्रयोजन भूत यद्यपि वो सत्य नहीं है लेकिन फिर भी घी मंगवाने में वो सहायक है, इसलिए उसकी उपयोगिता है। यदि वो बिल्कुल ही काम का नहीं होता तो उसको अपन जिनवाणी में स्थान ही नहीं देते, लेकिन उसकी कोई उपयोगिता है इसलिए उसको जिनवाणी में स्थान मिला है। हे तो वह असत्यार्थ सत्य नहीं है, वस्तु स्वरूप की तरफ से देखा जाए तो वह सत्य है, लेकिन कोई प्रयोजन की सिद्धि करता करने वाला होने से उसको जिनागम में स्थान मिला। हे वो असत्य, वो खुद ही कहता है, व्यवहार खुद ही कहता है कि देखो मैं जो कहता हूँ वो सत्य है ही नहीं, मेरा तो काम ही असत्य कहना है, क्या मेरी बात को तुम सत्य मानोगे तो तुम ही भ्रम में पड़ोगे, मैं असत्य कहता हूँ और मैं केवल असत्य इसलिए कहता हूँ क्योंकि कोई प्रयोजन होता है, उस प्रयोजन की पूर्ति करने के लिए वो उस प्रकार से कहना आवश्यक होता है, यदि वो न कहे तो उस प्रयोजन की पूर्ति न हो। जैसे लोग भी किसी को अपन कहने के लिए कहती है ना, ये हमारे चाचा जी हैं, ये हमारे दद्दा जी हैं, भैया जी इधर आना, अरे आपके भैया कब से हो गए, आप तो कहते मेरा कोई भाई नहीं, इन्हें बोलते सही ना भैया जी इधर आना, बहन जी आपकी बहन कब से हो, माता जी कब से, एक बार रस्ते चलते लोगों को ये बोलते हैं माता जी हटना जरा, दादाजी जरा हटना, आपके दादाजी तो कब से चले गए, ये कौन से आ गए, लेकिन लौकिक व्यवहार में अपने से बड़ों इतनी दादा की उम्र को अपन क्या कहते हैं दादा जी, भाई की उम्र वाले भाई जी, बहन की उम्र वाले बहन जी, तो वो लौकिक प्रयोजन पूर्ता होने से वो सत्य है व्यवहार है बने, लेकिन वो अपने किसी कार्य की सिद्धि करता है ना, वो परमार्थ नहीं है, बस परमार्थ समझ के उसको माना रहे भाई है बहन ही है तो गड़बड़ हो गई, ये समझे कि कहने के भाई बहन है वास्तविक नहीं है, ऐसी कहने के लिए घी का है वास्तविक घी का नहीं है, समझे व्यक्ति सी बात है, निश्चय व्यवहार कि व्यवहार जो कहता है वो परमाणु वस्तु स्वरूप नहीं कहता, वो एक द्रव्य को अन्य द्रव्य के भाव रूप कहता है, उसका काम यही है दो द्रव्यों को आपस में मिलाना, इसका उसको कहना उसका इसको कहना, मिट्टी का है घड़े का घड़े घी का घड़ा कहना, मैंने मिट्टी के घड़े को घी का घड़ा कहना, एक द्रव्य के भाव को अन्य द्रव्य के भाव रूप कहना, ये व्यवहार होगा, और जो जैसा द्रव्य है उसको उसी द्रव्य रूप कहना निश्चय, व्यवहार का काम ही है, एक द्रव्य को अन्य द्रव्य मिलाता है, एक द्रव्य को अन्य द्रव्य के भाव रूप, किसी कारण को कार्य में मिला के कारण को कारण में मिलाकर किसी को किसी में मिलाकर निरूपण करता है, अलग अलग निरूपण नहीं करता, निश्चय अलग अलग यथावत निरूपण करता है, व्यवहार ने किसी को किसी में मिलाकर निरूपण करता है, एक द्रव के भाव को अन्य द्रव के भाव रूप कहता है, इसलिए उसका नाम व्यवहार आया समझ में, इसलिए निश्चय के दूसरे नाम भी दिए यहाँ पे सत्यार्थ भूतार्थ सच्चा निरूपण यथार्थ, यथार्थ सो निश्चय सत्यार्थ भूतार्थ ये सब निश्चय के नाम, और अयथार्थ उपचरित असत्यार्थ अभूतार्थ ये सब व्यवहार। अब ऐसे उसको कहते अयथार्थ मतलब निश्चय की दृष्टि से वह यथार्थ है अभूतार्थ है असत्यार्थ है, लेकिन वो अपने प्रयोजन की सिद्धि करना वाला होने से सत्यार्थ है। देखो वो जो व्यवहार नाम पड़ा है उसका वो निश्चय की अपेक्षा है, अपने प्रयोजन की पूर्ति करने वाला होना सब ठीक है, व्यवहार से चाचा है व्यवहार से भाई बहन है ये सब,
लेकिन परमार्थ वस्तु स्वरूप नहीं है, इसलिए वो असत्यार्थ है। तो असत्यार्थ है उस निश्चय की अपेक्षा से, वो अपने प्रयोजन की पूर्ति सिद्ध करने से वो सत्यार्थ है, क्योंकि वो एकदम झूठा उसको मान लिया जाए तो एकदम झूठे ही है वो यदि, तो फिर उसको जिनवाणी में स्थान ही नहीं मिलना चाहिए। लेकिन वो एकदम झूठा तो नहीं है, वो अपने किसी प्रयोजन की सिद्धि करता है इसलिए उसको जिनागम में स्थान भी मिला है, लेकिन वो परमार्थ वस्तु स्वरूप नहीं बताता है। परमार्थ वस्तु स्वरूप की अपेक्षा देखा जाए तो वो अपरमार्थ है, अयथार्थ, सच्चा नहीं, इसलिए उसको व्यवहार समझ में आ रही बात, इसलिए उसको सब नाम दिया, सत्यार्थ, अयथार्थ, अभूतार्थ, उच्चरित, उच्चारित, उच्चरित निरूपण है ये, यथार्थ निरूपण सो निश्चय, उच्चरित, उच्चरित मैंने उपचार से, औपचारिक रूप से, जैसे मेरे काका जी औपचारिक चाचा जी, मेरे ताऊ जी औपचारिक, उपचार है ये, वास्तविकता नहीं, उपचरित निरूपण है वो व्यवहार, यथार्थ निरूपण है वो निश्चय, सत्यार्थ, भूतार्थ, यथार्थ सब निश्चय, असत्यार्थ, अभूतार्थ, उपचरित ये सब क्या है, व्यवहार। ठीक है, कोई प्रश्न यहाँ तक? निश्चय भी कथनचित है, दो कथनचित तो सभी जगह अपनी चीज, कोई भी चीज है वो सत्यार्थ है ही नहीं। नहीं, इसमें भी कथनचित, उसमें भी निश्चय नहीं की अपेक्षा है, वो व्यवहार नहीं का सत्य नहीं है, वो निश्चय नहीं का सत्य, सत्य तो है लेकिन कौन सा सत्य है, ये परमार्थ सत्य है और ये व्यवहारिक सत्य है, तो अपेक्षा तो दोनों में ही लगेगी, नए तो दोनों में ही लगेगी, ये बात, ये नए, ये कौन से नए का कथन है, क्योंकि किसको कितना वेटेज देना ये अपन ये समझेंगे कि ये कौन से नए का कथन है। यदि व्यवहार नहीं का कथन है तो तुम समझ में आ गए, जैसे कहिए कि हमारे कहने के चाचा जी, समझ गए क्या है, ये हमारे असली खास चाचा जी, तो चाचा जी तो शब्द दोनों में कॉमन है लेकिन ये हमारे कहने के हैं और ये असली है, तो कितना किसको लिफाफे का वजन होएगा, ऐसे ही जिनागम में दोनों प्रकार के कथन है, निश्चय के व्यवहार नहीं के, तो वो किसको कितना वजन देना उसके ऊपर है, ये निश्चय नहीं का कथन है तो इसको वजन अधिक मिलेगा क्योंकि परमार्थ है, ये व्यवहार नहीं का कथन है तो मतलब ये बस उसको उतने काम करता है, इसका वजन है, परमार्थ मतलब वास्तविकता, सत्य, परम सत्य, परम प्रयोजन की सिद्धि करने वाला होने से परम सत्य, इससे बढ़ के कोई सत्य नहीं, ये परम सत्य बात है, और ये परम सत्य नहीं के नहीं की सत्य, ये लौकिक पूर्ता सत्य, लौकिक सत्य, लोक में सत्य, और एक आध्यात्मिक सत्य माने परम सत्य वस्तु स्वरूप क्या है, वास्तविकता, जैसे यूं अपन जिसको कहते हैं कि मेरे भाई है वो भी व्यवहार, और परम सत्य तो है कि मेरा तो कोई नहीं, तो व्यवहार का व्यवहारिक सत्य है और ये परम सत्य परमार्थ रूप है, वास्तविकता तो ये है कि अपना कोई है ही नहीं, बात घड़ा है, निश्चय घड़ा है, अकेला तो घड़ा है, घड़े को और कुछ कह दो सुरही है, घड़े को घड़ा कहा निश्चय, घड़े को मिट्टी बोल दो, मिट्टी है तो भी वो कोई बात गड़बड़ नहीं, तो मिट्टी है तो है तो सही, हाँ वो भी निश्चय ही, मतलब जो जैसा नहीं है उसको अनुरूप कहना व्यवहार, मिट्टी का घड़ा कहना व्यवहार है, मिट्टी को मिट्टी कहना निश्चय है, घड़े को घड़ा कहना निश्चय है, मिट्टी का घड़ा कहना भी निश्चय है, सब निश्चय ही है, वस्तु को यथार्थ रूप में निरूपण करना निश्चय ही है, वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा ना निरूपण करके अनुरूप निरूपण करना वो व्यवहार। और ये एक बात और देखो, एक सबसे बड़ी बात समझना है, ये नए ये वस्तु स्वरूप के कथन करने में लगते हैं, वस्तु के कथन करने में मैंने वस्तु को कथन करना है, हमें वस्तु को समझाना है, तो उस समझाने के लिए नए है, वस्तु स्वयं नए नहीं है, ये है मेरे हाथ में, ये कौन सा नए है, ये निश्चय के व्यवहार,
मेरे हाथ में कागज है, ये निश्चय है, और मेरे हाथ में किताब है, कुछ भी कहूँ मैं, मेरे हाथ में जो है सोना है, कुछ व्यवहार है, जो जैसा है वैसा कहूँ तो वो निश्चय, मेरे हाथ में वस्तु जो है वस्तु निश्चय है ना व्यवहार है, वस्तु का यथार्थ निरूपण करो तो निश्चय है, और वस्तु का यथार्थ निरूपण करो तो व्यवहार, वस्तु ना निश्चय होती है ना व्यवहार होती है। कथन करने की पद्धति है, कहने की स्टाइल है, वस्तु थोड़ी नहीं खुद कुछ हो जाएगी, आप वस्तु का किस रूप में कथन कर रहे हो वो बात है। आदमी निश्चयवार नहीं है, कोई चीज निश्चयवार नहीं, कोई क्रिया निश्चयवार नहीं, कोई वस्तु निश्चयवार नहीं, उस वस्तु के कथन करने की शैली में लगेगा आप क्या कर रहे हो कथन। यदि आप परमार्थ कथन कर रहे हो तो निश्चय का कथन है वो, परमार्थ की है तो वो व्यवहार का कथन, बस नए कथन में लगते हैं अथवा नए अपने ज्ञान में समझने में लगते हैं कि हमने इसको जैसा है वैसा का वैसा समझा निश्चय, अनुरूप समझा व्यवहार, नए ज्ञान में और वाणी में लगते हैं, नए वस्तु में नहीं होते, क्रियाओं में नहीं होते। पूजा पाठ करना क्या होता है, व्यवहार, पूजा पाठ व्यवहार है, और स्वाध्याय आत्मा का ध्यान। देखो न पूजा पाठ व्यवहार है न आत्मा का ध्यान निश्चय, ये तो मैंने कहा अभी कि कोई क्रिया कोई चीज वो निश्चयवान नहीं, पूजा पाठ को मोक्ष मार्ग कहना व्यवहार, आत्म ध्यान को मोक्ष मार्ग कहना निश्चय। इसको मैं उल्टा भी लगा सकता हूँ, पूजा पाठ को शुभ बंध का कारण कहना निश्चय और आत्म ध्यान को संसार का कारण कहना व्यवहार, पर झूठा है बिल्कुल। किस रूप में पखान कर रहे हो आप, पूजा पाठ अपने आप में कुछ भी नहीं है, अपन उसको यदि मोक्ष का मार्ग कहें कि पूजा पाठ मोक्ष का मार्ग है तो उपचारित औपचारिक कथन है, क्योंकि वो साक्षात मोक्ष मार्ग नहीं है, परंपरा से, और साक्षात तो क्या है बंध का कारण है, पुण्य बंध का, तो वो कहना निश्चय, रत्नत्रय मोक्ष का कारण है निश्चय, और रत्नत्रय को अन्य का कारण कहना कि देवगति का कारण है ऐसा, जो जैसा है मतलब वो अपने आप में कुछ नहीं है, पूजन पाठ कोई क्रिया ना निश्चय ना व्यवहार, आप उसका कथन किस रूप में करें, कोई क्रिया कोई वस्तु कोई चीज ये ना निश्चय होती है ना व्यवहार होती, लेकिन क्या करोगे समझ में आता नहीं लोगों को, ये तो जिनागम में वस्तु स्वरूप को कथन करना है, वस्तु स्वरूप को बताना है, तो बताने के लिए शैली अपनाई है उन्होंने, वस्तु स्वरूप को समझाने के लिए, आप उनको सबको समझाने के लिए ये एक अद्भुत शैली है, और ऐसी अद्भुत शैली है जिससे वस्तु स्वरूप का अच्छा खासा बढ़िया निरूपण होता है, वस्तु स्वरूप समझ में आता है, बिना इसके वस्तु स्वरूप समझ में नहीं आना, बताओ मैं बिना व्यवहार के वस्तु स्वरूप नहीं समझ सकते, अपने को जगह जगह तकलीफ पड़ेगी, बिना व्यवहार के कथन करना मुश्किल है तत्व का भी, और बिना निश्चय के तत्व की प्राप्ति होना कठिन है, दोनों की आवश्यकता है, दोनों को जिनागम में स्थान मिला है, लेकिन दोनों का यथार्थ स्वरूप समझे और समझे कि कौन सा नए क्या काम करता है, कौन सा क्या काम करता है, किसकी क्या उपयोगिता है, किसकी क्या उपयोगिता है, और किसका कितना भजन है, किसको कितना वेटेज दे, चपरासी की बात भी, ये चपरासी ने कोई बात कही और कोई किसी ऑफिसर ने बात कही, तो दोनों को एक सरी का वेटेज है या अंतर है, एक सरी वजन देंगे अंतर, वजन में अंतर है कि नहीं है, ऐसे कौन से नए का कथन है उससे उस बात में बहुत अंतर पड़ जाएगा, यदि वो निश्चय नए का कथन है तो वो परम सत्य है बात खत्म, यदि व्यवहार नए का कथन है तो जब दम नहीं जा रहा इसका मतलब परमार्थ नहीं, तो ये सब आगम में अपने को नए लगाना सीखने पड़ेंगे अभी अभी अपन बताएंगे, क्योंकि जिनागम में हर चीज़ नयों की भाषा में लिखी हुई है, हर आगम का हर वाक्य किसी न किसी नए में लिखा हुआ, या तो निश्चय नय का कथन है व्यवहार नय का, अब अपन सबको एक सरी का मान के और एक सरी का निश्चय नय का मानेंगे तो बहुत झगड़े पड़ेंगे, क्योंकि कई कहते हैं देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्व उदाह, देह और आत्मा को जो एक मानता बहिरात्मा है मूढ़ है मिथ्या दृष्टि है, उसको 10 दर गा दिया उसको, अपनी परीक्षा होती ना
ज्ञान ही होते दूसरे। मिथ्या दृष्टि के अन्य नाम बताइए, तो मिथ्या दृष्टि के नाम है सब मूढ़ मोही मिथ्या दृष्टि बहिरात्मा अज्ञानी पापी सब नाम है। क्यों? क्योंकि देव और आत्मा को एक मानने वाले हैं। अब एक तरफ तो उसको मूढ़ मोही कहते हैं और दूसरी तरफ दो हरियल दो सांवले दो गोरे दो लाल सोलह कंचन वर्ण है वंदो आठो याम, ये बोलते हैं दो हरे हैं अपने भगवान, दो हरे हैं दो सांवले हैं और दो गोरे हैं दो लाल हैं बाकी सोलह कंचन वर्ण है भगवान जैसे हैं। कई लोगों तो भगवान में भी बहुत अंतर है, गोरे गोरे भगवान अच्छे लगते हैं सांवले सांवले अच्छे हैं पुष्पदंत भगवान, ये किसी को उपसर्ग रही भगवान क्या, तो वीतराग तो सबकी एक सी, लेकिन किसी को उपसर्ग हो जाए तो वो हिट नहीं हो और ऐसे ही मोक्ष चले जाए तो क्या हुआ, कुछ नहीं किया, करा क्या, ऐसे कैसे चले गए अपने सब। बहुत सारे विचित्रता है अपने इसमें, सब दिनों के नाम पे अपने तो भगवान भी सब अलॉटेड, कौन से दिन को कौन से भगवान अलॉट किए हुए। मैंने बताया ना आपको एक बार पूजा के अंदर पूजा करते करते रोक दिया हम लोग, अरे पंडित जी क्या कर रहे हैं, क्या हुआ आज तो रविवार तुम शांति ना भगवान कह रहे हो, तुम्हें क्या 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 अपराध हो गया मेरे से, क्या गलती हो गई, अरे तुम वही नहीं मानो आज तो रविवार आज तो पार्षणा भगवान की हुई, लेकिन ये कहाँ लिखा हुआ कौन सी जगह लिखा हुआ है बताओ, नहीं तो पार्षणात की होती है तो होती तो है, मैंने कहा लिखा हुआ कहा लिखे तो बताओ, वो तो होती है ये बस कोई आंसर नहीं, होती है ये ठीक चलो होती है ये करो, अब चालू करी तो वो तो पारसनाथ जनेश्वर पूजो रही व्रत के दिन भाई सुख संपत्ति बहु होए तुरंत ही आनंद मंगलदायी और गाय उसकर तीन बार सुख संपत्ति बहु होए तुरंत ही आनंद मंगल, और उस पंक्ति को दो दो बार तीन तीन बार दोहरा है भैया क्या कर रहे हैं। पहली बात तो ये पार्षणा भगवान को और रविवार के दिन ही पूजने से वो सुख संपत्ति देंगे, दूसरे दिन पूजने से नहीं देंगे, और पारसनाथ ही देंगे रविवार के दिन, बाकी कोई बेचारा की बाकी किसी की बुलाई पूजा तो नहीं देंगे, मतलब ये कौन सी कहाँ की बातें ले आ गए। पहली बात तो वार अपने जैनियों में होते ही नहीं, अपनी तिथि होती है और सुख संपत्ति देंगे, वो सुख संपत्ति बहु है और वो भी क्यों, क्योंकि वो तुरंत ही बाकी की पूजा में लिखा ही नहीं तुरंत ही, उसमें ही लिखा है तुरंत सुख संपत्ति बहु देव तुरंत ही आनंद मंगलदा, बहुत मजा आता है उसको करने में, जहाँ ये सब चीजें लिखी रहती ना जिन जिन पूजाओं में पुत्र पौत्र धन संपत्ति बढ़िए, तो पुत्र पौत्र धन संपत्ति तो वो पूजा सबको अच्छी लगती है, नवनिधि रिद्धि सिद्धि मंदी, बाकी तो पूजा उनको केवल ज्ञान केवल दर्शन केवल सब क्या कुछ नहीं मिलने वाला है इससे, तो बहुत चक्कर है। इसलिए मतलब अपन ने भगवान में भी इतने भेद कर रखे रंग के हिसाब से उनके द्वार के हिसाब से शनि क्या है और ग्रह के हिसाब से सब, मतलब तीर्थंकरों की तो क्या कर रखी दशा बनने, वो अच्छा वीतरागी है, ये वीतरागी नहीं होते तो सोचते हमारे क्या दशा करी हमारे भक्तों ने, तो और क्या नहीं तो तीर्थंकर क्या समझा पाने, सर तीर्थंकर यही काम करेंगे अथवा धन सुत सब कुछ पावे संकट मिट जावे धन सुत पावे, तो ये बच्चे वेले कर रखे हैं जो सबको देते हैं वहाँ इसको क्या चाहिए क्या है, मतलब वो सब क्या है कि दूसरों की स्तुतियाँ हैं और वो सब अपने भगवान के नाम पे मान दी, उठी ओम जय जगदीश हरे, उन्होंने ओम जय महावीर प्रभु कर दिया, खुद को बनाना है क्या, उनका हिट मूव हिट का हिट भक्ति है ये जगदीश हरे तो अपन बोल नहीं सकते तो महावीर प्रभु, लेकिन भाई उनके यहाँ तो वो देते हैं उनके जो भी देते हैं वो सुध भी देते हैं और सब देते हैं, तुम्हारे तो सुध देते ही नहीं खुद के ही नहीं देते उनके सुध क्या नहीं थे, महावीर प्रभु के सुध थे क्या, और धन तो छोड़ के गए वो तो सब छोड़ गए उनके पास था ही क्या जब देंगे, लेकिन बस धन सुध सब कुछ पावे संकट मिट जावे तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, तेरा है क्या जो तेरे को अर्पण करूँगा,
ये सब अन्य मत की स्तुति है, मैंने सब सुन रखी है अन्य मतावलंबी होगा, बिल्कुल वैसे की वैसी कहो, वही की वही स्तुति है, केवल नाम चेंज कुछ नहीं। यदि अपनी आरती वगैरह सुनना हो तो वो है ज्ञान त्राय जी की पहली आरती श्री अनंत भगवान को, यह विधि वो ध्यान त्राय जी की बराबर है, वो असली है। बाकी ये सब आजकल जो चालू चल रही है ना, ये सब सब अभी चम 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 बजा लो, चम 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 केसरिया केसरिया मंदिर को रंग केसरिया, चुनरी केसरिया, हमारा थाल केसरिया, मैंने क्या क्या केसरिया, तुम्हारी गाड़ी केसरिया, ये केसरिया केसरिया, भगवान से क्या लेना देना उसका, कुछ बिल्कुल कोई तथ्य नहीं, एकदम मीनिंगलेस कंटेंटलेस क्या है कि नहीं है ये सब, और नाचते रहते हैं उसमें, आज हमारो रंग केसर। थोड़ा विचार करना चाहिए अपने को कि क्या है, तो वो ये सब जो है ना, ये व्यवहार की व्यवहार मतलब व्यवहार भी नहीं, अब तो ये तो फोकट की बातें हैं। तो इसलिए जो है ना, जिनाघर में अपने को बहुत निर्णय करना पड़ेगा जगह जगह, ये कौन से न्याय का कथन है, क्योंकि दोनों को सत्य मानेंगे, एक तरफ भगवान के शरीर की स्तुति की गई है और ये माना गया कि भगवान की स्तुति है, भगवान की स्तुति के रूप में वो शरीर की स्तुति, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि शरीर और आत्मा को एक मानने वाला मिथ्या स्थिति, तो अपन एक भ्रम में नहीं पड़ सकते, जो आप कह रहे हो शरीर आत्मा अलग अलग है, तो ये भगवान के शरीर की स्तुति हुई, भगवान की कहाँ हुई, वो तो शरीर की हुई, भगवान की स्तुति तो भगवान के गुणों की होनी चाहिए, देह की स्तुति क्यों की आपने, आचार्य से भी प्रश्न कर सकते हैं, छड़ालाकार से प्रश्न करते हो, दो भक्तामर जी के स्रोत में अपन प्रश्न कर सकते हैं कि आपने ऐसा कैसे लिख दिया, उसमें है ना स्तुति ऐसी, जिन जितने जैसे अणुओं से निर्मा पित्र तेरी दे थे, उतने वैसे अणु जग में शांत राग में विसर्जित हुए, ये शांत राग रुचि भी परमाणु विस्तम निर्मा पितस्त्र गुणे के लवलाम है लघु तो तावंत ए फलतेप्य तो हे तो देख ना, अब वो देह आत्मा है क्या, वही तो वही तो क्या, यही शांत देखो क्या है इसमें, यही शांत राग रुचि भी परमाण भी तुम, जिन शांत परमाणुओं से तुम निर्माप तस्त्री तुम्हारा निर्माण हुआ है, भुवन एक ललाम भूत तावत एक खनते भुवन एक ललाम भूत, एक भुवन के एक ललाम, ललाम माने तिलक, तीन लोक के आप तिलक स्वरूप एक ही हो, क्यों, क्योंकि आप शांत परमाणुओं से बने हुए हो, विकास शांत राग रुचि भी परमाणु भी तुम निर्माण पितस्त्री तुम्हारा निर्माण हुआ है, और तावंत एव खलु उतने ही वास्तव में, तावंत एव खलु तेपी अणुवा पृथ्व्याम उतने ही अणु पृथ्वी में थे, यत्ते जिसके कारण समानम अपरम दूसरा कोई समान नहीं, रूप मस्ती कोई रूप नहीं है, आपके समान इसलिए कोई दूसरा रूप नहीं। तो अब भी बात तो है यहाँ पे, भगवान आप परमाणु से बने, भगवान परमाणु से बनेंगे, तो भगवान परमाणु से बने हैं ये मानो, तो मतलब भगवान और शरीर एक ही, तो वो रूप बताया है, तो वही तो कह रहे हैं, तो उसके लिए कुछ परमार्थ मानेंगे, तीर्थंकर की देह को भी यदि तीर्थंकर मानेंगे तो मिथ्यात्व का दोष लगेगा, तो आत्मा लेकिन कहा तो यही ना, व्यवहार नहीं जो है ना, देह और आत्मा को एक मिला के कथन करता है, वहाँ ये तो ही लिखा है कि हे भगवान आपका शरीर बना है, उसको पढ़ना भक्तावर जी को, उसमें लिखा है कि आप उन परमाणुओं से बने हो, आप बने हो, अब ये कथन को अपन परमार्थ मान ले कि दिक्कत होगी कि नहीं होगी, बहुत दिक्कत होगी, यदि भगवान की देह को भगवान को एक माना जाए तो मिथ्यात्व है वो, क्योंकि जो बात अपन ने वहां मानी, यदि देह को और आत्मा को वहां एक माना है, इसका मतलब यहाँ भी देव और आत्मा को एक माना है,
भगवान को जो नहीं समझ पाया कि भगवान की देह जुदा है आत्मा जुदा है, तो अपनी देह और आत्मा की भिन्नता नहीं समझ सकता। तो इसलिए हम समझेंगे कि भाई ये जो स्तुति ये कौन से नैसे व्यवहार व्यवहार नहीं, क्या करता है दो द्रव्यों को मिला के कथन करता है, ये उसका काम एक बार पढ़ेंगे इसमें। व्यवहार नहीं के दो काम, एक तो क्या करता है वो दो को मिला के कथन करता है, मानी दो अलग अलग चीजें उनको एक मिला के उनको मिला के कहेगा ये एक ही है, दो है और क्या कहेगा एक। जैसे समझ लो कोई अपने चंदा लेने आया मंदिर के लिए लागा लेने आया, फिर देव कि वो सब मेरे भैया ने लिखा तो दिया, हम और वो अलग अलग थे तो एक ही, अब 20 साल से अलग हुए तो उनका हिसाब किताब बिल्कुल अलग चलता है। ठीक है अच्छा एक ही आप समझ गए, शादी ब्याह हो रही थी, शादी ब्याह में एक को तिलक का दिखा दे दी, वो भी खड़े हो गए क्या कर तो दिया इनका तिलक, तुम तो एक ही हो दोनों, नहीं हम दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं, 20 साल से अलग अलग हैं, इसलिए जो भी उनको देना है तुमको उतना ही देना है, तो उसमें से आधे निकालो और मेरे को देना, लेकिन मेरे को अलग से देना पड़ेगा। वो कलाकार तो लोग में कितने चतुर है, ऐसे ये व्यवहार नहीं भी क्या करता है कि दो को एक मिला के कहता है, दो को मिला के एक कहता है, जैसे उदाहरण के लिए देह और आत्मा बिल्कुल अलग अलग, लेकिन व्यवहार नहीं का काम है दोनों को मिला के एक कहेगा, उसका काम ही वो अलग अलग नहीं कहेगा, यदि वो अलग अलग कहने लग जाएगा तो निश्चय हो जाएगा वो अपना डिपार्टमेंट छोड़ दिया इसका मतलब उसने, फिर वो व्यवहार ही नहीं रहेगा। व्यवहार नहीं का तो काम ही यही है कि वो दो द्रव्यों को मिलाकर निरूपण करता है, ये उसका काम है। अभी क्यों करता है वो, ऐसा क्यों करता है, दो द्रव्यों को मिला के एक नहीं करना चाहिए ना, क्योंकि दो द्रव्यों को एक मान लिया जाएगा तो क्या होगा, सम्यक की मिथ्या, मिथ्या दो अलग अलग द्रव्य और हमने एक मान लिया, जीव और अजीव जुदा जुदा है, जीव और अजीव को एक माना तो उससे तो मिथ्यात्व लग गया, तो फिर इसने ऐसा किया ही क्यों, दो द्रव्यों को मिला के किया ही क्यों, तो इसका वर्णन चलेगा उसकी कारण उपयोगिता क्या है, उपयोगिता बहुत जरूरी है इसको समझना, इसमें है ये सब नए और नए की उपयोगिता। एक तो एक काम उसका दो को मिला के और एक चीज होती है एक, तो एक के अंदर भी भेद कर देता है, जैसे एक ही परिवार है एक ही सब एक ही चलता है खाना पीना, लेकिन जब लेने पहुंच गए तो सब अलग अलग है। जैसे अपन ने कहा कि भाई ये नोट्स नोट्स, लेकिन एक घर से एक ही नाद भी लेना ए, नहीं मतलब तो कोई भी चीज़ है कोई चीज़ बट रही है एक परिवार वाले को एक ही मिलेगी, नहीं नहीं हम सब तो अलग अलग है ऐसे करके अलग मिले तो वहाँ अलग अलग हो गए, थे एक ही अभेद थे और अपन ने क्या कर दिया उनमें हम सब अलग अलग भेद हो, अभेद में भेद डालना और भिन्न भिन्न वस्तुओं में अभेद करना ये दो काम है व्यवहार नहीं, क्या काम है पहला काम भिन्न भिन्न वस्तुओं को अभिन्न कहना, अलग अलग है उनको एक कहना, भेद है अभेद कहना एक काम। दूसरा अभेद एक वस्तु है और एक वस्तु को अनेक रूप कहना, वस्तु एक अभेद अखंड एक ही है और एक अभेद अखंड वस्तु में बहुत भेद डाल डालना, ये ऐसा 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 एक अभेद अखंड एक परिवार है ये अलग है इनका अलग है इनका अलग है इनका अलग दे इनका अलग दे इनका अलग दे, तो भाई एक परिवार का एक दिन कहा था कि नहीं नहीं सब अलग अलग एक है और अनेक कहना, तो भी उसने गलत काम किया ना, था एक एक को अनेक रूप कहना है तो ही व्यवहार हुआ, अनेक थे उसको एक कहा तो व्यवहार, अनेक को अनेक कहे तो निश्चय, एक को एक कहे तो व्यवहार वो निश्चय, जैसा है वैसा कहे तो निश्चय, अनेक को एक कह दे तो व्यवहार, एक को अनेक कह दे तो व्यवहार, समझानी की बात नहीं, मतलब वही अपेक्षा वस्तु के एक अंश को बताता है, तो जो अंश को बताता है तो अपेक्षा बता देते हैं कि इस अपेक्षा से अथवा इस नए से, नए के दो अपेक्षा के दो एक ही बात है ना, अंतर तो है उन दोनों में, लेकिन आपको कोई कथन करना है किसी चीज का तो आप या तो ये कह दो कि ये इस नए से ऐसी है, ये कह दो कि इस अपेक्षा से ऐसी है, दोनों चल जाएगा, मतलब दोनों में से कोई भी कह दो
काम चल जाए। दोनों एक नहीं है, दोनों में अंतर है, लेकिन दोनों में से एक भी चीज का प्रयोग करने पर हमारे प्रयोजन की सिद्धि हो जाएगी। मैंने आपने ये कह दिया कि ये निश्चय नहीं की अपेक्षा है तो समझ में आ जाएगा आदमी को कि परमात्मा, या आपने कह दिया कि भाई इस अपेक्षा से ये बात है तो भी ठीक, या मैंने तीसरा एक बताया था भी कह दिया तो ये चल जाता है। वो अपन अलग टॉपिक है, उस पर मत टच करो, इधर ही चलो। गलत मतलब बिल्कुल एकदम साफ झूठ तो आएगा ही नहीं इसमें, बिल्कुल जो साफ झूठ है। जैसा अभी क्या है, यह दिन है कि रात, कि व्यवहार में से अभी दिन है, निश्चय में से रात है, रात ही है, ये कोई इसमें क्या लगेगा। मैंने वो कोई किसी प्रकार से उसमें कुछ तो होना चाहिए ना, कोई सत्यता के लिए कोई कारण होना चाहिए, कोई ना कोई उच्चरित हो, कोई उसका हेतु होना चाहिए। बिना हेतु के इसकी बेर सिर पैर की बेटा पैर की बातें नहीं चलेगी। गधे के सिंह कौन से नहीं से गधे के सिंह, निश्चय से कि व्यवहार से, सब निश्चय से तो कहनी है, व्यवहार से मान लो। अपन तो अनेकांतवादी है, अनेकांतवादी तो इसका मतलब अनेकांतवादी ये नहीं कहता है कि जो किसी भी प्रकार से नहीं उसको मान लो, जो किसी प्रकार से घट सकता है वो उसको कहता है। जो लोक सत्य है, लौकिक अपेक्षा से सत्य है, किसी अपेक्षा से सत्य है तो उसको व्यवहार में स्थान मिला है, जो कहीं से सत्य नहीं है इसलिए वो एकदम, मैंने बीच में भी कही थी, वो एकदम असत्यार्थ भी नहीं है, वो बिल्कुल झूठा नहीं है, वो निश्चय की अपेक्षा असत्यार्थ है, लेकिन वो अपनी अपेक्षा से तो सत्यार्थ है। ये मेरा मकान है, ये अपनी अपेक्षा से, इसमें कोई लगता है आप अपन कह सकते हैं ये मेरी पत्नी है, व्यवहार में से इसका मतलब कि बिल्कुल झूठ नहीं, एकदम ऐसा झूठ तो ही नहीं हो। ये मेरी माँ है, अव्यवहार में से, तो व्यवहार में से का क्या मतलब है, बिल्कुल झूठ है ये बात नहीं, झूठ कैसे है, तो लोग सत्य माने जाते हैं, लौकिक सत्य है कि नहीं, और किसी भी हर किसी को माँ कहना वो तो वो व्यवहार भी नहीं कहना है। मैंने व्यवहार नहीं की भी ये सीमा है कि वो उसमें कुछ दम होना चाहिए, कुछ होना चाहिए उसमें, कुछ है ही नहीं उसमें, जिसमें कोई मटेरियल नहीं है तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। जिनवाणी कोई प्रयोजन पूर्ता होने के कारण उसको एक्सेप्ट करती है कि इससे कुछ प्रयोजन की सिद्धि होगी। मैंने यहाँ तो मोक्ष मार्ग का प्रयोजन है, तो व्यवहार नहीं कभी अभी आगे बताएंगे कि उसका भी प्रयोजन है कुछ मोक्ष मार्ग में, इसलिए उसको स्थान मिला है। लेकिन जो व्यवहार भी नहीं है, जिस किसी प्रकार से सत्य नहीं, जिसका मोक्ष मार्ग से कोई सिद्धि नहीं होती, जिनवाणी उसको बिल्कुल लगा देती है, व्यवहार हटाओ उसको। वस्तु में होनी चाहिए ना वो चीज, वस्तु में हो ही नहीं तो कैसे कहें। अनेकांत का ये तो ही नहीं, अनेकांत का मतलब क्या है कि वस्तु के अनेक धर्मों को बताए, तो वस्तु में जो धर्म होता है उसको बताता है। अनेकांत का ये नहीं उपयोग कि जो वस्तु में है ही नहीं उसको किसी अपेक्षा लगा के कहीं ना कहीं लगा के होना चाहिए उसके, जो वस्तु के धर्म है उनको अनेकांत बताता है, जो वस्तु में धर्म नहीं है उनको नहीं बताता, ये नहीं तो बताएगा कैसे। अरे दो भेद है इसके, क्या नाम है इसके, असद्भूत और सद्भूत। असद्भूत का काम क्या है, भिन्न भिन्न वस्तुओं को अभिन्न बताना, भेद को अभेद कहना, ये भिन्न भिन्न भेद है उनमें, उनको क्या कहता है, अभेद, एक। और इसका काम सद्भूत का उल्टा है, एक वस्तु है उसको अनेक रूप बताना, ये ऐसी भी ऐसी भी ऐसी भी ऐसी भी ऐसी भी ऐसी। जैसे उदाहरण के लिए नींबू, नींबू खट्टा भी है, नींबू पीला भी है, नींबू गोल भी है, तो अच्छा है काम को बाजार गए कि भैया देखो हमको पीले से तो कोई मतलब है, तो खट्टा खट्टा दे दे, खट्टा पका दे दे इसका बस, बाकी सब तू रख ले, इसमें चार गुण है, स्पर्श रस गंध वर्ण, दो रुपये का तेरा नींबू, तो हमको तो एक ही चाहिए, क्या चाहिए हमको, रस चाहिए, तो ले आखाने ले ले रस दे, निकाल सकते हो आप उसको इसमें से, यहाँ रस निकाल, अरे वो जो रस है उसको नहीं करे, उस रस में भी स्पर्श रस गंध वर्ण है, उसमें भी आप रस नहीं निकाल सकते हो अलग से, अथवा वर्ण कोई, मेरे को तो नींबू का पीला रंग बहुत अच्छा है, तो बस पीला पीला रंग देना, मेरे को रंग भी नहीं निकाला जा सकता, छिलका भी निकालोगे तो उसमें स्पर्श साथ में आएगा, उसका भी रस है, उसका भी गंध है, उसकी वर्ण है, मैंने उसके गुणों को अलग अलग किया नहीं जा सकता, किया जा सकता है वस्तु में से, अलग नहीं किया जा सकता, वस्तु
के अनेक गुण उसके अंदर वस्तु की अभेद अखंड सत्ता में है, लेकिन कथन हम उसका अनेक प्रकार से करते हैं, तो वस्तु की अभेद अखंड सत्ता को भेद रूप से कथन करते हैं तो सब व्यवहार हो जाता है। वस्तु को अभेद अखंड रूप से, एक रूप से वस्तु का अभेद अखंड कहना वो निश्चय है। अभेद अखंड वस्तु में भेद डाला व्यवहार, और अभेद अखंड वस्तु को अभेद अखंड ही रहने दिया निश्चय है। आगे की बात सुनो, जंगु अभेद अखंड एक एंटिटी, उसको कितना उसको इतना इतने सारे गुण भेद किए अपन ने तो व्यवहार हो गया, क्योंकि एक को अनेक रूप कहा, क्योंकि अलग अलग है तो ही नहीं कोई, ऐसा नहीं रस अलग जा रहा हो गंध अलग जा रही, उसमें तो एक ही में सब कुछ व्याप्त है, रस गंध स्पर्श वर्ण सब एक साथ उस वस्तु में अभेद है, अलग अलग किया नहीं जा सकता, लेकिन अलग अलग हमने शब्दों में कर दिया तो अलग अलग शब्दों में किया तो व्यवहार हो गया। कथन में अलग अलग कर दिया ना मैंने, एक होने पर भी वस्तु में एक साथ थे, कहने में भेद डाला व्यवहार। तो ये दो काम है इसके, असद्भूत और सद्भूत दोनों है। असद्भूत का काम भिन्न भिन्न वस्तुओं को अभिन्न कहना, भेद है जिनमें उनको अभेद कहना मैंने एक कहना, अलग अलग वस्तुओं को एक कहना अभेद, भेद में अभेद बताना, और सद्भूत का काम अभेद को भेद रूप कहना, अभेद में भेद डालना। बताया सही, नींबू नींबू है जीव है, नींबू में लाया सही क्या समझ में, नींबू का नींबू अभेद अखंड एक वस्तु है, और उसको अनेक इसको पीला कहना, रस वाला कहना, गंध वाला कहना, गोल कहना, खट्टा कहना, महंगा कहना है, गुणों क्या रहा तो सब उसको भेद डाला तो वो सब व्यवहार। वस्तु अभेद अखंड एक है, अभेद अखंड वस्तु में गुण भेद भी व्यवहार है, क्योंकि गुण भेद वस्तु में है नहीं, वस्तु को समझने के लिए किया हमने गुणों का भेद, वस्तु तो अभेद अखंड है, वस्तु में ऐसा गुणों का कोई अलग अलग डिवीजन तो ही नहीं है कि यहाँ एक चीज रह रही है दूसरी जगह दूसरी चीज रह रही, वस्तु के पास जाकर देखो तो जहाँ एक गुण है वही अनंत गुण है, लेकिन हमने अलग अलग गुणों का अलग अलग तरह से कथन किया, उसे समझने अलग ऐसे लगता है कि उसमें अलग अलग कैसे गुण अलग अलग भरे हुए होंगे, अलग अलग नहीं भरे हुए, उसमें तो सब एक में अखंड है, सब एक में है वो सब गुण, लेकिन कहने में अपन अलग अलग कहते हैं उसको, तो अलग अलग कहा तो व्यवहार हो गया, एक को अनेक रूप कहा तो व्यवहार, और एक को एक रूप कहा तो निश्चय, ये दो हो गए। असद्भूत, असद्भूत मतलब सद्भूत अभेद अभेद बता दो, एक वस्तु का अनेक रूप कहना, वस्तु एक अभेद एक एंटिटी है, असद्भूत तो अनेक को एक कहता है, अनेक को एक कहना तो बताया ना, बहुत सारे एग्जाम्पल, अनेक को एक कहना, शरीर आत्मा को एक कहना, शरीर आत्मा को मिली दो को दो मिल गए उनको एक कहना, मनुष्य तो मनुष्य कहना, दो द्रव्यों को एक कहा कि नहीं कहा, मनुष्य पर्याय किसकी है, मनुष्य पर्याय में दो एंटिटी मिली हुई है, एक जीव और एक मनुष्य शरीर, और दो मिलके एक अपन ने कहा कि मनुष्य जीव, तो व्यवहार हुआ, मेरी पत्नी तो मेरी पत्नी है क्या, दो द्रव्य को मिला लिया ना, मेरा मेरा तो कुछ है ही नहीं और मेरा कहा व्यवहार, दो में एक पने का व्यवहार किया, एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कहा व्यवहार हो गया, समझ में ना, दो द्रव्यों में एक पने का, दो द्रव्यों में आपस में संबंध जोड़ने का काम जो करे वो व्यवहार है, और एक द्रव्य में अनेक पने का जो व्यवहार करे वही व्यवहार है, दो द्रव्यों को एक कहे वो असद्भूत, एक को अनेक कहे वो सद्भूत, अभी आएगा और समझ में सब क्लियर हो जाएगा, समझ में आ रही कि नहीं, यहाँ तक किसी को दिक्कत है, कोई प्रश्न है, असद्भूत का काम अनेक वस्तुओं में एक पने की स्थापना करना, एक कहता अनेक को एक कहता, जैसे देह और आत्मा अलग अलग है उसको एक कहता, ये उसका काम। असद्भूत तो वैसे बहुत झूठा है, बिल्कुल असद्भूत, उसका नाम ही असद्भूत, असत असत माने वो स्वयं ही कह रहा है कि मैं असत हूँ, मैं जो कहूँगा वो सत्य नहीं कहूँगा, तुम यदि चक्कर में पड़ जाओ तो बात अलग है, लेकिन हमने तो बोर्ड ही लगा रखा ऊपर ठग बाजार, जैसे हमारी दुकान आपकी दुकान से ले गए थे, कोई देखा नहीं,
ठग बाजार, चोर बाजार, तो चोरी ही मालूम होता है। जैसे वह सद्भूत नहीं स्वयं ही कहता है कि मैं जो कहूँगा वो सत्य नहीं होगा। यदि फिर भी तुम उसका विश्वास करके और अपनी श्रद्धा बिगाड़ लो तो इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। हम तो स्वयं ही कह रहे हैं कि हमारा नाम क्या है, असद्भूत व्यवहार नहीं, ये हमारा नाम। मतलब हम बिल्कुल झूठे हैं, हमारा नाम झूठे लाल। झूठे लाल तो फिर बोल ही क्यों रहे हो आप? आपको जनवाणी में स्थान कैसे मिला? कोई कारण है इसलिए मिली है, किसी अपेक्षा से वो सत्य इसलिए मिला। लेकिन वो वास्तव में सत्य परमार्थ रूप जो परम सत्य जिसकी अपन प्राप्ति के लिए लालाई थे, वो वैसा सत्य नहीं, वो दुनियादारी का सत्य। दुनियादारी का सत्य अलग होता है और धर्म का सत्य अलग होता है। दुनियादारी में तो यही कहा जाता है कि मेरी पत्नी, ये मेरे बच्चे, ये सब। और धर्म में क्या कहते हैं? जहाँ दे अपनी नहीं। तो दोनों में अलग अलग व्यवस्था है। वहाँ ये कहने लग जाए अपनी पत्नी को जहाँ दे अपनी नहीं, तो अपने को ठंडे मारे की और क्या कहते हैं बताते हैं क्या। तो बहुत व्यवहार में क्या कुशलता होनी चाहिए, व्यवहार में प्रेम दिखाए और अंतरंग में स्नेह नहीं रखे। और अपन करते उल्टा है, व्यवहार में कुछ ही बोलते रहते हैं। धर्म सीख क्या गए? एक आध कोई चीज घर मियाँ पे और फिर उसमें पे घर पे जाके उसके इंजेक्शन लगाने लगे। नया नया मुल्ला होता है ना, बहुत जोर से भाग होता है और फिर उससे दिक्कत है जो है ना, वो पढ़ाने वाले को खड़ी करता है। तुमने क्या पढ़ाया, क्या पढ़ाया, क्या तुम्हें समझ में क्या? ये नए नए हैं, कोई दिक्कत नहीं, अभी थोड़ा जोश है, अभी अभी धीरे धीरे समझ जाएंगे कि लोग के व्यवहार में क्या करना चाहिए और अपने अंतरंग का श्रद्धांत क्या होना चाहिए। ये श्रद्धांत की चीज़ है जो तुम्हें बताया था, वो श्रद्धांत रखने के लिए मुँह में बोलने के लिए सही नहीं। मुँह में तो बिल्कुल वही बोलो तो उनको अच्छा लगे। अपने अंतरंग का श्रद्धा पक्का होना चाहिए कि वास्तव में वस्तु स्वरूप है, क्योंकि असद्भूत नए अपने को बोलने के लिए मिला है। बोलो दुनियादारी के, बोलो कोई दिक्कत नहीं। दो द्रव्य को एक मिला कहने के लिए, क्यों क्यों? क्योंकि दुनिया जो है ना वो अज्ञानी है, अज्ञानी को अज्ञान की भाषा में समझ आता है, म्लेच्छ को म्लेच्छ की भाषा में समझ आता है। इसलिए उसको असद्भूत नए की भाषा में समझ आएगा, क्योंकि वो स्वयं ही असद्भूत समझती है। दुनिया असत्य को ही सत्य मानती है, तो आपको भी असत्य भाषा में बोलोगे तो समझेंगे, नहीं तो समझेंगे दुनिया में क्या है ये चल रहा है। तो भाषा होती है असद्भूत नहीं की और भाव होता है सद्भूत का, पर हम उल्टा करते हैं। भाषा तो बिल्कुल ऐसी रखते हैं बिल्कुल पॉलिश्ड सद्भूत की, सद्भूत की भी क्या मतलब निश्चय नहीं की और भाव तो कहीं कोई ठिकाने नहीं, तो वो गड़बड़ हो जाती है। तो इसलिए दो को एक कहता है, क्या नाम क्या है इसका? असद्भूत माने किसी प्रकार से सत्य नहीं, सद्भूत में किसी अपेक्षा से सत्यता है, मतलब वो असद्भूत की अपेक्षा उसमें वजन ज्यादा है। अब असद्भूत के दो भेद हैं, कौन कौन से? उपचरित और अनुपचरित। क्या है उपचरित? उपचरित माने दूर का, औपचारिक जिससे हमारा संबंध है वो उपचरित है, और अनुपचरित माने निकट का जिससे हमारा बहुत पास का संबंध है। अब आप समझ लो कि अपने को जिन जिन से भी औपचारिकता निभानी पड़ती है वो सब दूर के, और जिनसे हमें कोई औपचारिकता नहीं निभानी पड़ती वो हमारे निकट के। तो अपने को किन किन से औपचारिकता निभानी पड़ती? सबसे आज की तारीख में तो आदमी को सबसे औपचारिकता निभानी पड़ती खुद के बच्चों से। क्या मैं मेरे मामा जी के गया था, तो मैं गया तो बेचारे ऐसे ही थे उसमें चड्डी वगैरह के अंदर उनके घर की थी, तो बच्चे मैनर्स नहीं क्या जाओ ऊपर कपड़े चेंज करके कैसे बैठे। और वो सही है बेचारे पिताजी गए दूर के थे मेरे मामा जी, वो गए ऊपर और नीचे बराबर कपड़ा पहन गया। मैंने कहा ये क्या हो गया तुमको, तुम तो मेरे मामा लगते हो और तुमको मेरी सामने के लिए अभी बच्चे बच्चे बच्चा तुम्हारा इसकी तुम सुनने लग गए। अरे बोले डांटता है तभी तुमको बिल्कुल मैनर्स नहीं है क्या? और यहाँ तो ठीक है, वहीं ये अपने ये बीमारी बाहर तो बहुत ज़्यादा, जैसे क्या है कि अपने देश के अंदर कोई माँ बाप माता पिता है बच्चों को पालन पोषण करते बड़े प्रेम से, और फिर बड़े हो जाए थोड़े तो बच्चों से अपेक्षा करते हैं, तो पानी पीना है तो बच्चों का बेटा पानी पिला दे, पानी दे तो वो पानी पिला दे और माँ बाप उसको थैंक यू नहीं बोले तो कुछ नहीं बोलते उस समय तो। लेकिन जब उनकी मीटिंग वीटिंग होती है तो कंप्लेन करते हैं, क्या कहते हैं हम ये इंडियन पेरेंट्स दे डोंट हैव एनी मैनर्स। क्योंकि इंडियन पेरेंट्स पेरेंट्स भी इंडियन जैसे कोई नस्ल का कुत्ता होता है कॉमर्शियल कुत्ता
पेरेंट्स तो पेरेंट्स ही रहेंगे ना, और तुम कौन हो यदि वो इंडियन है तो तुम खुद कौन हो, खुद ही। लेकिन वो उसको वो इनको मैनर्स ही नहीं, पानी देते हैं अपन इनको और थैंक यू ही नहीं बोलते। थैंक यू बोले मतलब वो पानी दे, बेचारा बच्चा लाए पानी अपने लिए, थैंक यू मैंने कहा वो बेचारा वो पिता हिंदुस्तानी पिता तो कभी नहीं बोल सकता। अपन ऐसी अपेक्षा कर सकती है अपना बच्चा अपने को पानी पिला उसको अपन दस बार थैंक यू बोले, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, अपने तो बोलने गया था कि क्या हो गया इनको, इनकी बुद्धि में क्या हो गया। कितनी औपचारिकता है, मतलब आप सोच लो सब नकली है इसका मतलब, जो भी संबंध है असलियत क्या है उसका। जहाँ पिताजी को अपने बच्चे को धन्यवाद देना पड़े पानी पिलाने के अंदर, हाँ दोनों मिल गए तो औपचारिकता की, ये तो बिल्कुल बहुत दूर के संबंध इनके। और पति पत्नी गए, पति पत्नी खाना खाने गए तो पत्नी अपना पर्स निकाल रही है जेब के अंदर से और पति अपने खर्चे के पैसे निकाल रहे हैं, क्या है मतलब। इतनी औपचारिकता है, इतना जैसे कोई संबंध नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। और अच्छा है क्या गीत रागी है उसका क्या, उनके उनको हर समय तैयार रहते हैं, कभी कुछ भी हो जाए अपने खर्चे पानी हिसाब किताब अलग, बैंक के अकाउंट अलग सब अलग, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो व्यवहार कितना औपचारिक संबंध, सब सब औपचारिकता में ये बच्चे पत्नी और भी जो भी बच्चे पत्नी के अलावा अपने माता पिता परिवार, इन सबसे अपना औपचारिक संबंध है, कोई वास्तविकता का संबंध नहीं। एक देह ही ऐसी है जिससे अपने को कोई औपचारिकता नहीं निभानी पड़ती, शरीर के अलावा बाकी जितने हैं सबसे औपचारिकता निभानी पड़ती। पत्नी साथ के आदमी बेचारे तैयार पड़ता है, तैयार नहीं रहे वो ढंग से तो उसको पत्नी के लिए कौन से गाँव से आया था, अभी तक इंदौर में आ गए लेकिन लखन नहीं आया किसी एक छोड़ के। तो बेचारा आदमी कितनी बार सुनेगा, वो भी सुन सुन के सोच सोचता चलो पहन लो भैया ढंग के कपड़े, ये तो ये खुद सुनाएंगे अभी दस बार। तो उससे भी अपने को कुछ औपचारिकता तो निभानी पड़ती है, उससे भी क्या बोलना क्या नहीं बोलना उसके परिवार वालों से, उससे खुद से। तो इसलिए उन्होंने स्त्री पुत्र सबको अनौपचारिक में रखा, ये औपचारिक में रखा, और एक केवल शरीर को अनौपचारिक संबंध में रखा। माने जो नए स्त्री पुत्र मकान जायदाद रुपया पैसा घर बार इसको अपना कहे वो सब वो नए कौन सा है, असद्भूत। असद्भूत में भी कौन सा उपचरित असद्भूत। माने जो नए स्त्री को पुत्र को मकान को गांव को दुकान को देश को नगर को जिस भी देह को छोड़कर अन्य जितने भी परद्रव्य है उनको जो नए अपना कहे वो नए कौन सा नए है, उपचरित असद्भूत व्यवहार नए। ठीक है बाकी अपन कल करेंगे उपचरित वगैरह।